देखो अकाली दल बारे तो मैं गल करनी मैं बड़ी अज के टाइम बेतुकी लगती है क्योंकि सारे पंजाब को पता भी ये पार्टी जीरो आ जी पार्टी ऑलरेडी फिनिश हो चुकी है पंजाब दे विच पंजाब दे लोगों ने नकारती हूँ जितों मर्जी आसरा लभी जाए कोई चंगे बंद ने इन्हों रलना नहीं आ सारिया लड़ाइया अपने जगह जगह उत्ते पोस्टर वार की बजाए अपने आप को हीरो दिखाने की बजाए पंजाब के लोगों के घर रोटी वलदी चुल्हा वलदा करना चाहिए सी इन्हां च हुण हीरो कोई किवें निकल सकदा पर पंजाब के लोगों को इस गल का पता है कि ये लोग सिर्फ तो सिर्फ कुर्सी के भुखे ने चार साल चुप रहे ने जिस देश का अध्यापक रुल रहा हो समाज के असल अध्यापक नहीं रुल रहा होंगे वह आने वाला उस देश का भविख रुल रहा होंगे अध्यापक जिहड़ी सरकार अध्यापक उत्ते वार कर सकती है वह किसी की भी सकी नहीं हो सकती अज इत मेरे नाल साढ़े पार्टी के सीनियर लीडर गुरप्रीत सिंह बुग्गीपुरा स्वर्ण सिंह धुन जी साढ़े इंटलैक्चुअल विंग के जनरल सकत्र इकबाल सिंह जी तो जिन्हों की असं अज एक ज्वाइनिंग करवा जा रहे हैं अर्श उमरियाणा मोगा मेरे ख्याल दे विच नौजवान का चेहरा किसी जान पछाण का मोहताज नहीं है इस वक्त सारे पंजाब नूं पता भी ये नौजवान आ जिहड़ा ऑलरेडी 1058 पिंडां दे विच लोकां नूं जागरूक कर रहा है कि जदों सरकारां आउंदियां सही सरकारां चुनो अपने बच्चों का भविख देखो सो इन्हां दी मैं वीडियो वेखी जिहड़ी कि पंजाब दे लोकां दे घर घर च पहुँच गई तो बड़ा पसंद किया जा रहा है कि नौजवान नूं पंजाब दे लोग पसंद कर रहे किस तरीके पढ़िया लिखिया एक MA पास नौजवान किवें लोकां नूं अपने काम कार छड्ड के साइकल उत्ते जागरूक कर रहा है पिंड पिंड मैनूं लगता भी किसी बंदे नूं अपना एक किसी भी बंदे नूं पूरे पिंड च साइकल ते घूमना होवे लोकां च प्रचार करना होवे उन्नी हिम्मत लियाउणी औखी आ ते लगातार 1058 पिंड कढ लैणे ते लोकां नूं जागरूक करदिआं होइआं फिर जदों असीं इहनां नाल गल्लबात कीती क्योंकि आम आदमी पार्टी इहो जिहे गांह वधू नौजवानां नूं जोड़ के बहुत सुकून प्राप्त करदी है ते वधिया लगदा ते इहनां नाल गल कीती है कहिंदे वी असीं हमेशा अरविंद जी दी सोचना जुड़ना चाहते सी जिदा अरविंद जी ने एक वक्रे तरीके की रवायती राजनीति छड़ के एक नवे तरीके की राजनीति लिया है जिथे लोगों के हकों की गल हों लोगों के विकास की गल हों धर्मां तो जातों तो उठ के गल हों सो ऐसी पार्टी ना जुड़ के इन्हों उस चीज़ का चाह भी सी ते इन्हों एक हर एक कोई भी बंदे जिहड़े अज काम कर रहे साडे नाल जुड़नगे तो असीं एज़ अ संगठन उन्होंने हमेशा खड़ते हैं क्योंकि बहुत तरह दियां जिस तरीके ये लोगों के जाते हैं रवायती पार्टियां के लिए लोगों को जागरूक करते हैं भी किवें इन्होंने लुट के खाधा तो इन्हों बहुत तरीके दियां परेशानियों का सामना करना पै रहा है सो हमेशा जिन्हें भी पंजाब के नौजवान अगे वधना चाहते एक संगठन की हमेशा लोड़ हुंदी है कल्ला बंदा एक बार चलता तो काफला नाल बन जाता सो जिवें अरविंद जी हमेशा धरनिया चो निकले ने लोगों लिए प्रचार करते गली गली जाके उन्होंने प्रचार किया सो यहो जे नौजवानों सानू खुशी मिलती है जो पार्टी शामिल करांगे सो असी अर्श वीरदार अर्श उमरियाणा इन्हों का पिंड है मोगा जिला अपनी पार्टी स्वागत करते हैं बहुत वीर सोहना काम कर रहे हो तो इन्हों की तुम गलबात सुनो कि किस तरीके इन्होंने पार्टी आने का विचार बनाया मेरा नाम अर्श पिंड उमरियाणा जिला मोगा हुण तक जिहड़े मैं 1058 जिहड़े पिंड आ कंप्लीट कर चुकिया भी मेरा टीचा वा पंजाब दा जिहड़ा हरेक पिंड आ उह मैं वोटां तक कंप्लीट कर देवां क्योंकि की आ मतलब ना तो असीं गुंडागर्दी करदे आ ना गुंडागर्दी करन देंगे ना असीं लोकां दे पुत मरवाए आ ना मरन देंगे तो ना असीं आप पढ़े आ ते तुहाडे जिहड़े बच्चिआं नूं पढ़न देंगे असीं की आ लोकां दे कारोबार ठप्प पिआ दुकानां बंद पईआं वा पर साडियां जिहड़ियां सरकारां वा करोना कहिड़ा अज आई आ करोना अज नूं 1.5 साल हो गए आ साडियां जिहड़ियां सरकारां वा लोकां दे हक्कां दी उहनां नूं दबाउण दी बजाए साडे लोकां नूं लुट्टण दा जिहड़ा टीचा मिथिया होया वा अज साडे गुरु घर भी लुट्टे गए आ अज साडियां मंडियां भी गहने पै गईआं अज साडे बच्चे भी पढ़ाई तों वांझे हो गए आ इहदे विच जिहड़ा कसूर आ पर फिर भी देखिए साडियां सरकारां दा वा की गल असीं जिहड़े आम लोक आ सिर्फ टैक्स पे करना जाणदे आ जे असीं टैक्स दिंदे आ सरकारां दे भी फर्ज़ बणदे आ पर इत्थे की अज सारा पंजाब सड़कां ते आ गया साडे पिंडां जिहड़े बाबे नानक आ उह दिल्ली दीआं सड़कां ते बहि गए जाके गंदे नालियां ते साडा जिहड़ा नौजवान वर्ग आ उह नशियां दे विच गलतान हो गया साडे बच्चे पढ़ाई तों वांझे हो गए
देखिए तो चारे पास जी लौटा भावे भू माफिया भावे केबल माफिया भावे जरा मंडीकरण भावे हरेक पास जो ढांचा वो तोड़िया जा रहा वा सरकार जीडिया कल फांडे चुनद जो पंजाबी पर हम जो पंजाबी जाग गए जे सोचिए पिछले 70 साल तो कैप्टन बादल ने भला करना हों तो आप देख लो जो पहला भला हो जाता वा पर दूसरे पास देखिए भी केजरीवाल साहब की जी सोच आदि अकॉर्डिंग जो दिल्ली का विकास होया वा उन्होंने नीतियां ध्यान में रखते हुए असं आपके पंजाब भी सोचा वा भी उन्होंने अगे लेके आवेंगे बाकी एपरीशिएट करने तो जो चेहरे बड़े मिल जाते हैं कितने मानसा बहुत सोहना काम करते कितने साडे हरपाल चीमा जी वधिया काम करते उत्थे मैं देखा भी साडी जी भैन आ गगन अनमोल मान जी वो देखी जाए सड़कों के उपर प्रदर्शन करती फिरती है बई वो कि प्रदर्शन करती है भी इन्हों का हजे विआह भी नहीं होया वो तुहाडे बच्चों वास्ते लड़ती फिरती है इस करके लोगों को चाहिए वा जो साडे बच्चों का रखवाला वा जो साडी जवानी का रखवाला वा असी उहदा साथ दईए अज मैं भी पढ़ लिख के गड्डिया सॉरी साइकलों के उपर जो पिंड प्रचार करते हैं लोगों को जागरूक करते हैं उहदे विच मैं 17 जिले जिहड़े कवर कर ले आ ते जिहड़े 37 हल्के भी कंप्लीट कर ले आ 1000 जिहड़े 58 जिहड़े पिंड भी कंप्लीट किए आ वोटां तक मेरा टीचा भी जिहड़े 23 जिले आ सारे कंप्लीट करांगे वोटां तक मेरा टीचा होगा भी 117 हल्के कंप्लीट करांगे वोटां तक मेरा टीचा होगा भी 112729 पिंड सारे कंप्लीट करांगे दसांगे माड़िया सरकारां खिलाफ इन्होंने सानू किदां लुट्टिया इन्होंने साडे बच्चों का फ्यूचर किदां बर्बाद किया इन्होंने साडी जवानी किवें नशियां विच धक्की आ सारा कुछ आपां भाई भली भांत जाणू आ अज जे मीडिया भी इत्थे आया मैं उही गल करना भी सच्चा मीडिया ना उही इत्थे आया वा क्योंकि तुसीं भी बराबर की योग्यता रखते हैं साडे लोगों नूं उभारन दे लई पर की जिहड़ा वकाऊ मीडिया गोदी मीडिया वा वह अज भी साडे किसानां नूं बदनाम करता पिया वा पर एक चंगी सोच वाला चंगे लोग तुहानूं भी इस चीज़ दे विच आउणा चाहीदा सारे मीडिया नूं भी आम आदमी नाल जुड़ना चाहीदा तुसीं चंगा काम करदे आ क्योंकि चंगे मार्ग चलदे आ उस्तत करे जान ते जे तुसीं मान लैणा चंगा काम करदे आ तुहानूं रब भी सलाम करदा वा अज साडी भैण जुटी हुई ना चंगे काम करन लई अज साडा समाज साडे नौजवान जुटे होया भी आम आदमी पार्टी नूं उभारन दे लई उत्थे साडा भी फर्ज बनदा वा असीं इन्हां दीआं लत्तां खिच्चण दी बजाए इन्हां दा साथ देईए क्योंकि की आ पंजाब जे 22 लंघी ना बई तो 27 आनी नहीं गी ये गल सच है आपको जानना चाहिए सब तो जो मेन मुद्दा आप मोटिव किसानों का ध्यान देना देना वा क्योंकि जोड़ा पंजाबी खिता वा ये साडा खेत्र आ खेतरी दल आ साडे किसान भी बचाने साडे जवान भी बचाने साडे बच्चे भी बचाने इस करके सानू सारयां नू एक जिहड़ी तरतीब एक आम आदमी पार्टी यहोजी पार्टी है जिन्हें आप जुड़ के आप जो चंगा काम तो चंगा जो पंजाब लीह लिया सकते हैं देखो दिल्ली जरा ना दिल्ली सोचिए तो सारा पंजाब ही दिल्ली जा बैठा वा अगे कहते पहले जे बंदे मोगे नहीं ना गए वो भी बंदे दिल्ली चले गए उत्थे भुख हड़ताल करन दा मतलब यह नहीं भी आप भुखे मरना वा उत्थे ये दसना फर्ज सीगा भी जे अज मैं कल्ला भुखा बैठा वा मोदी साहब दीआं गलत नीतियां करके कल नूं सारा जिहड़ा पंजाब आ भारत आ भुखमरी की कगार ते आ जूगा साडा ये मैसेज सीगा उंज भी सड़कों के उपर जिहड़ा प्रदर्शन किया पर आम आदमी पार्टी साडे लई दिल्ली भी बड़ी फैसिलिटी की आ साडे किसानां दे लई टेंटां दे प्रबंध किए आ साडे किसानां दे लई टॉयलेट वगैरह जो भी पानी का प्रबंध किया गया वा वह नीतियां देखिए भी साडियां सरकारां तां साडे नाल खड़ियां नहीं साडियां सरकारां साडियां पेंशनां खा गईयां साडियां मंडियां खा गईयां साडे स्कूल खा गईयां साडे रुजगार खा गईयां साडे गुरु घर खा गईयां बेअदबी का मुद्दा किड्डा वड्डा एक सरकार बेअदबी करवाउंदी आ ते दूजी सरकार उसे मुद्दे ते लटका के सरकार बना के लोगों नूं बेवकूफ बनाउंदी आ इस करके आम आदमी पार्टी जिहड़ा पंजाब दे विच आपां नूं जिहड़े पैर आ उन्होंने मजबूत करने चाहिए आ ता जो साडे लोगों का निघार हो सके विकास हो सके आने वाले समय के साडे जिहड़े लोग आ उह जिउंदी जागदी जमीर वाले साबित हो सकन देखो अकाली दल बारे तो मैं गल करनी मैनू बड़ी अज के टाइम बेतुकी लगती है क्योंकि सारे पंजाब नू पता भी ये पार्टी जीरो आ जिन्हां नाल कीता वह भी जीरो ने तो इन्हां चों हुण हीरो कोई किवें निकल सकता सो इन्हां जिहड़ी पार्टी ऑलरेडी फिनिश हो चुकी है पंजाब दे विच पंजाब दे लोगों ने नकारती हुण जिथों मर्जी आसरा लभी जाण कोई चंगे बंदे ने इन्हां नाल रलना नहीं आ नाले काशीराम जी की भैन का बयान तुसीं सुणिया तो वह निराश ने इस गल उत्तों कि पार्टी ने बसपा ने क्यों समझौता किया एक बार काशीराम जी नूं किसे पत्रकार ने सवाल पूछा सी ते काशीराम जी ने कहा कि साडी पार्टी का संविधान श्री गुरु ग्रंथ साहिब है सो जिहड़ी पार्टी दे काशीराम जी ये गल कहिंदे पए ने तां उह अज साडे गुरु ग्रंथ साहिब पवित्र ग्रंथ की बेअदबी करन वालिआं नाल किवें जा रले कोई तुक नहीं बणदी सी सो ऑलरेडी अकाली दल खत्म हो चुके इन्हां बारे तां हुण चर्चा करना ते कोई तुक ही नहीं बणदी
मोहाली के अब अध्यापक जो कच्चे ने उन्होंने लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। यह भी खबर ताजी आई है कि एक महिला ने उन्होंने सरपाल खा ली गई है, पॉलिटिक्स में सरपाल चला गया, क्या देख रहे हैं? देखो साडा दुखांत है, जिथे अध्यापक रुलदा होवे, जिस देश का अध्यापक रुल रहा होवे, जिस समाज दे विच ओह असल दे विच अध्यापक नहीं रुल रहा हुंदा, ओह आउण वाला उस देश का भविख रुल रहा हुंदा। अध्यापक नूं किसे वेले अज इहनूं टीचर कहिंदे आ, अध्यापक वी कहिंदे आ, किसे वेले अध्यापक नूं गुरु का दर्जा सी, गुरु का दर्जा दिता गया सी। सो जदों अध्यापक कमज़ोर हो जाए, अध्यापक जिहड़ी सरकार अध्यापकां उत्ते वार कर सकती वह किसी की भी सकी नहीं हो सकती, वह किसी का कुछ सवार नहीं सकती, क्योंकि अध्यापकों ने आने वाले समाज की बच्चों को पढ़ा के नहीं रखनी होंगी है, एक सुनहरी भविख सिरजना होंदा। जदों अध्यापक मर रहा तो साडा आने वाला फ्यूचर मर रहा, जदों अध्यापक लताड़िया जा रहा तो इस पंजाब का, इस भारत देश का जिहड़ा फ्यूचर लताड़िया जा रहा। तो दिल दुखी हुंदा ये देख के भी अध्यापकों सलफास खानी पै रही है, टैंकियों से चढ़ना पै रहा, नहरों तो छाला मारनिया पै रही, शब्द कोई है नहीं। हर पंजाबी इस गलों लैके दुखी आ कि किस तरीके इन्होंने घर घर नौकरी देने का वादा किया कि कुछ लख अध्यापकों नौकरियां दे के प्रायोरिटी दे बेस उत्ते, क्योंकि जिन्होंने छोटे छोटे बच्चों पढ़ा के सिक्ख्या दे के समाज का एक उसारू अंग बना, आने समाज में पढ़े लिखे विद्यार्थी देने। सो एक इन्हें एक मैनू तो लगता भी इन्हों कोई ध्यान ही नहीं भी पंजाब या समाज किसी तरक्की के राह पर पवे, इन्हों सिर्फ अपनी कुर्सी का ध्यान है कि कुर्सी चाहिए आ, अध्यापक रुल जाण, किसान रुल जाए, मजदूर रुल जाण, जिहड़ा मर्जी वर्ग रुल जाए। सो ये बागी हुई सरकार आ, लोगों का प्यार है नहीं, समाज के इन्हों कोई चिंतन नहीं रह गया। देखो जी, ये साडे वालों असी कोशिश करते हैं चंगे चंगे जिहड़े समाज दे विच सारू सोच वाले लोग ने उन्हां नूं वध तों वध जोड़िया जाए, पार्टी दे विच हैगे भी ने ऑलरेडी, तो हर बंदा मेहनत यह सोच की करता हूँ ना, असी मेहनत पंजाब बचाने लिए कर रहे हैं, पार्टी तो पहला जी प्रायोरिटी है वो पंजाब नूं है कि एकजुट होकर 2022 दे विच एक बारी आम आदमी पार्टी की इस बारी सरकार हर हालत बनानी है, इस गल करके असी पार्टी नाल जुड़े हैं, होर नौजवान पार्टी नाल जुड़ रहे हैं। एक बारी आम आदमी पार्टी लिया के वेखनी बहुत जरूरी आ कि जिवें दिल्ली दे विच लोगों की जिंदगी सौखी हुई है, पंजाब च भी होगी, पंजाब के लोगों का फर्ज बनता इस बार आम आदमी पार्टी नूं मौका देना। कांग्रेस में अभी पोस्टर वार चल रहा है, सिद्धू के पक्ष में किया, उससे पहले कैप्टन साहब के पक्ष में पोस्टर बाजवा साहब के पक्ष में लगा, इस पर क्या रहेगा? देखो तुहानूं भी पता इस गल का भी पंजाब दे विच की हालात ने, करोना करके भी पहला हुण कुछ केस घटन लगे ने वाहिगुरू की कृपा नाल, पर जिन्ने हालात खराब होए ने, लोगों की आर्थिक मंदहाली आई है, रेवन्यू किसी पासों जनरेट नहीं हुंदा पिया। सो इन्हां हालातों के सारे जिहड़े पार्टीज़ नूं एकजुट हो के किवें ना किवें करके, स्पैशली जिहड़ी रूलिंग गवर्नमेंट आ जिहनूं सरकार टैक्स दिंदी पई आ, जिहड़ी लोकां प्रति जवाबदेह आ, जिहड़ी इत्थे कदे शिशमा हाउस दे विच बैठे हुंदे आ, कदे किते बैठे हुंदे ने, कदे मोती महल च बैठे हुंदे आ। सो इन्हां दा फर्ज इह बणदा सीगा वी इह सारियां लड़ाइयां अपने जगह जगह उत्ते पोस्टर वार दी बजाए, अपने आप नूं हीरो दिखाउण दी बजाए, पंजाब दे लोकां दे घरे रोटी वलदी चुल्हा वलदा करना चाहीदा सी, उन्हां दी माड़े समय च बाँह फड़नी चाहीदी सी, पर पंजाब दे लोकां नूं इस गल दा पता है कि ये लोग सिर्फ तो सिर्फ कुर्सी के भुखे ने, चार साल चुप रहे ने, हुण दिल्ली जाके मीटिंगा करके वेख रहे ने भी कुर्सी किहदे लड़ लगनी आ, किवें होना, यह पता भी है कि होना। मैं तो कहती सी भी जिहड़े चंगे सी जां इन्हां दे कोई लीडर चंगे सी, वह बाहर आ जांदे कांग्रेस चों ते पता लग जाणा सी कि पंजाब दा दर्दी कौन आ, पर सारी गेम राजनीति दी आ, सारी गल सियासत उत्ते आ, रौला उपर उपर दिला अंदर रौला है नहीं पंजाब लई। देखो आम आदमी पार्टी सारे दस्तावेज दिखा रही है, ये फतेह किट च भी घोटाला नहीं मांगते, हर एक चीज़ नूं क्लीन चिट दे देंदे आ, इन्हां ने अपने मंत्रियों नूं वजीफे घोटालों च क्लीन चिट्टां देतियां। सो ये पार्टी खुद नूं कौन कहूगा कि मैं चोरी की है, शरेआम
ना करजा ज़्यादा तो ज़्यादा चढ़ा रहे ने, सरकारी खजाने खाली ने, लोगों को देने को कुछ नहीं, असं इन्ना टैक्स दें। एक पिंड एक सिंगल पिंड किन्ना किन्ना टैक्स दिता, डीजल उत्ते किन्ना ये रेट वधा रहे ने, यह पैसा कित्थे जांदा, आखिरकार कित्थे जांदा, ये पंजाब सरकार जवाब देवे इधर उधर दी गल्लां छड्ड के। सो सारा कुछ ड्रामेबाजी है इन्हां ने। आखिरकार जे कोई भी ये केस है इहनूं विजिलेंस जां हाई कोर्ट दे अंडर इस चीज़ नूं चैक करवाना चाहिए, जाँच पड़ताल की करवानी चाहिए, ना कि कैप्टन की। वो अपने आप को क्यों कहूगा कि मैं चोर हाँ? कोई जिम्मेवार एजेंसी को ला के इस ज सारे केस की, चाहे फतेह किट घोटाला से, चाहे वैक्सीन घोटाला, जिन्हें भी इन्हों के घोटाले बाहर आ रहे हैं। अनमोल जी, तुम्हें कहा कि पंजाब के लोगों को आम आदमी पार्टी को लियाना चाहिए, पर जिस तरीके प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अकाली दल भी कर रहे हैं, तुम भी कर रहे हो, वर्कर तुहाडे 2017 नालों इस बार वो वेव या वो लोग नहीं दिख रहे, जिते एक लीटर जाता से 4-5 हज़ार वर्कर आम कट्ठा हो जाता, वो चीज़ नहीं दिख रही। ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं कितने कितने गिनती भी घट दिखती हैगी है। हाल ही के सीएम हाउस का घेराव किया गया, गिनती घट सी, कितना ये चीज़ अगर जी है। देखो मैं थोनू मैनू तुम इस गल का माड़ा दौर कहदा चल रहा, इस टाइम करोना का दौर चल रहा है। करोना के असी कुछ गाइडलाइनस का ध्यान रखते हैं भी अपने अहदेदारों बुला के, घट तो घट बंद बुला के असी अपनी रोस प्रदर्शन करिए, कि जोड़ा करोना वधे ना। मैं तुम्हें अज कहनी परमिशन दवाओ, कोई चक्कर ना पवे, कलू 1 लाख बंदे का कट कर देवे, 50 हज़ार घट्टो घट 50 हज़ार बंदा, ठीक है। कट करना कोई औखा नहीं, आम आदमी पार्टी के वलंटीयर जिन्ने तेज ने कट कर जिन्ना वह, क्योंकि आम आदमी पार्टी के वलंटीयर पैसे लै लै दिहाड़ियाँ लै लै नहीं आते। आम आदमी पार्टी के वलंटीयर दिलों जुड़े हुए, जिन्हें भी लोग आम आदमी पार्टी नाल जुड़े हुए दिलों जुड़े आ, सारे दे अंदर क्रांति आ, सारे पंजाब नूं बचाउणा चाहुंदे ने। ते गल सिर्फ यह आ कि इन्हां नूं किसे गल दा फिक्र है नहीं, एडा वड्डा कल उत्थे उन्हां ने पूरा ड्रामा किया होया सी, जिदा तुसीं गल कर रहे हो तुहानूं अकाली दल का लग रहा होना। इकट्ठ करना किहदे लई औखा, 10 हज़ार बंदा कट्ठा करना तो कुछ भी नहीं औखा ना। आम आदमी पार्टी ने बाघा पुराना रिकॉर्ड तोड़ कट किया सी, वह भी तो कट ही सी, हुणे होके हटे अरविंद जी आए ने, सारी लीडरशिप सी। सो गल यह है कि असी कुछ करोना के जिहड़ा ये दौर चल रहा उहदा ध्यान रखते हैं कि ज़्यादा बंदे कट्ठे करके वो गल लोगों को पसंद नहीं आनी, करन नूं कट करन नूं किड्डी वड्डी गल है। देखो जी जेड़ा अज अध्यापक वर्ग उत्थे बह के सल्फास दियां गोलियां खा रहा, उन्हां दी वीडियो मोदी नूं भेजो। स्मार्ट स्कूलों के अंदर स्विमिंग पूल बने हुए ने गारे दे, वो वीडियो के उन्हां नूं जाके मोदी सरकार नूं भेजो। गल यह भी उत्थे केजरीवाल के स्कूलों के हालात वेखो किस तरीके दे आ, किनू देना चाहिए सी कि स्मार्ट स्कूल कि सब तो सोहने, जिन्हें वाकया च वधिया काम किए ने, जिदे एक स्कूल भी। मैं कांग्रेस सरकार कांग्रेस गवर्नमेंट के हर लीडर नू चैलेंज करती हाँ भी अपना सिर्फ एक स्कूल तुसी केजरीवाल के एक स्मार्ट स्कूल वर्गा विखा देवो, असी अपनी गल दे बयान बदल लवेंगे कि तुसी चंगे हो। एक भी इन्हां कोल ढंग दा नहीं, बाहर कलर कुलर करवा के रंग बिरंगे अखरां दे विच लिखवा के, अंदर इन्ना किचड़िया गंदे बाथरूम ने, अध्यापक वर्ग सड़कां ते रुल रहा, सलफास खान नूं नौजवान अध्यापक सलफास खान नूं मजबूर ने। तां इस देश ए पंजाब दे विच किहड़े अवार्ड इन्हां ने नंबर वन ते, असीं तुहानूं कल नूं मैं तुहानूं कल नूं पोस्ट करदी हां एक जिले दीआं 4-5 स्कूलां दीआं वीडियोज़ कि इत्थे स्कूलों का किन्ना क विकास होया। सो इत्थों इक ते पंजाब दे लोकां नूं गल क्लीयर हुंदी है ना कि जिहड़ी भाजपा ते इत्थे कांग्रेस आ जां अकाली दल आ सारे एक ने। अज इन्नी माड़ी स्कूलों की हालत होने के बावजूद भी कैप्टन अमरिंदर नूं क्रैडिट किवें मिलिया, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर मोदी के अकॉर्डिंग चलता, मोदी के अकॉर्डिंग कैप्टन अमरिंदर ने चलना तो उन्हें भी इनू क्रैडिट देना। सो गल यह है नहीं, कंपैरिजन तुसी 1700 स्कूल ही दिखा दो, तुसी उन्ने स्कूल ही दिखा दो किन्ने कर लिया। जे उतों का बजट भी तो 60,000 करोड़ इतों का बजट किन्ना ज्यादा आ, लोग 2 करोड़ तो 3 करोड़ ने, बजट भी तो देखो ना इतों नालों 3 गुणा ज्यादा आ। जे उत्थे बजट भी तो घट आ, 30,000 तो 60,000 करोड़ अरविंद केजरीवाल बजट लैके गए ने। सो गल ये आते स्कूलों की रेवन्यू भी तो असं ज़्यादा दें, टैक्स भी तो असं ज़्यादा दें, गल ये हूँ। देखो गल ये होंगी है भी सानू साढ़े सारे वर्कर बहुत प्यारे है, असी किसी का भी
किसी गल करके नाराजगी असी घर जाके मनावांगे उन्हूं किसी गल कलो दिल दुखी हुंदा। एक जिले के बहुत सारे वर्कर होंगे, कई बार लीडर एक दो वर्कर हो सकता भी नाल इन टच ना रहन ज किसी गलो नाराजगी हो जाए। मैं साढ़े सारी जिन्हें भी जुझारू वर्कर्स है उन्होंने ये बेनती करती हूँ भी वीरो सारा साल तो घट समा रह गया नाराजगी छड़ के एक बारी आप 2022 दे विच हुण अपना दिन रात एक करके मेहनत करनी है ताही पंजाब नूं विकास दे राह ते चंगे राह उत्ते जिहड़े अज कल एक रिपोर्ट आ रही थी कि इत्थे 54 लाख पासपोर्ट बन चुके ने, नौजवान बाहर जाण नूं तैयार बैठे ने। सो उन्हां नूं आपां अपने पंजाब च रखना, सारे नहीं तो एक घर के नौजवान बाहर चल गए तो यह पंजाब रह किन्ना लई जाणा। सो इह साजिशां नूं समझो तो आप एकजुट होना निक्कियां निक्कियां नाराजगियों तो उपर उठ के आपां लोकां लई सरकार बनाउणी है, ना कि अपने लिए बनाउणी है, लोक पंजाब दे विकास लिए बनाउणी है कि पंजाब नूं किसे नवें राह ते पाया जा सके, पंजाब दे विच उही पुराने हसदे चेहरे होण, पंजाब दे विच उही पुराने मेले लगदे होण, लोग खेती करन लगे हस खेड के करन, सिर ते कोई टेंशन नहीं होनी चाहीदी, मजदूर खुश होना चाहीदा। सो आपां उहनां लई लगे होए आं, आपां अपने निक्कियां निक्कियां नाराजगियां लई नहीं लगे, किसे दा दिल दुखिया किसे गल्लों तां असी पार्टी की लीडरशिप वालों अपने वालों मैं थोड़े घर आके थोड़ू मना लूँगी, पर अपनी नाराजगियां छड़ के आओ कट्ठे होके एकजुट होके चलीए। देखो इन्हों 10 साल बादल परिवार को 10 साल के लिए सरकार दिती सी, 10 सालों के इन्हों तो पंजाब नूं हक नहीं दिते गए, तो तुम्हें लगता जे वो जो ड्रामे करके तुम हकों की गल करते ना। सुखबीर सिंह बादल जी नूं मैं कहना चाहुंदी हां भी तुसी हकों की गल करते चंगे नहीं लगते। 10 सालों के कीता पंजाब के लिए 10 सालों के पंजाब का बेड़ा गर्क करके रख दिता, तो हुण तुसी कहिंदे हो भी असी आ धरने प्रदर्शन करके, नाले आम आदमी पार्टी जदों इकट्ठ करन ते आ जाए ना तो आम आदमी पार्टी इकट्ठ करन दे लई मशहूर है। आम आदमी पार्टी कोई असी प्रोटोकॉल दे विच रह के करोना दी गाइडलाइनस नूं फॉलो करते हुए घट्टो घट इकट्ठ करते हैं, जे इकट्ठ ही करना तो एक दिन आमो सामने रख लैने ते वेख लवांगे किहदा इकट्ठ आ। T5 चैनल पंजाबी हुणे सबसक्राइब करो, बैल आइकन ते क्लिक करो।